प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड कमेंट फॉर दिस वीडियो। हेलो, अब हम देखेंगे एक्टिव पैसिव में इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होते हैं कौन से वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य, कौन से सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अब हमें यह देखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर वन, एचवी से स्टार्ट होने वाले, और नंबर टू WH वर्ड से स्टार्ट। तो हम जब किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो पहले तो किस प्रकार हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, फिर किसको बदलेंगे? WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनको एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदला जाता है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदला जाता है। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर लिखेंगे कौन सा? पहले तो यहां पे लिख देंगे नंबर वन, एच बी से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेज को एक्टिव से पैसिव में बदलना। इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक्टिव का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है कौन सा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और एड वर्ब, अंत में लगता है क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैसिव कैसे बनाया जाता है ये हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सेंटेंस में देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब हम सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस, परंतु यह हेल्पिंग वर्ब जो इस सेंटेंस में थी वो सब्जेक्ट के अनुसार आई थी, परंतु अब जो हमारे पास यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी? आएगी तो सब्जेक्ट के अनुसार, परंतु सब्जेक्ट कौन है हमारा? जो इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना है उसी के अनुसार अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद में क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे? बाय, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑब्जेक्ट, जो हम किसका बनाएंगे? सब्जेक्ट का, और अंत में एड वर्ब और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि हमारे एक्टिव सेंटेंस में भी क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो पैसिव में भी क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल में हम देखते हैं, डू यू राइट ए लेटर डेली, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो कैसे आएगा? डू यू राइट ए लेटर डेली। अब हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू सब्जेक्ट क्या है? यू वर्ब क्या है? राइट, और ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। डेली क्या है? एड वर्ब। अब सबसे पहले हम जो हमारा ए लेटर है उसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे,
क्या बनाएंगे, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो यू के अनुसार हमने किसको लिखा था, डू को, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हमें याद है कि डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, इजीएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ए लेटर के साथ क्या आएगा, इज, और सब्जेक्ट क्या होगा, ए लेटर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटन बाय यू और डेली अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर टू, डज सी नॉट ईट ए कचोरी, अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट था सी, तो सी के अनुसार क्या लगाया, डज और डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, इज एम आर नॉट में। तो अब हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा, ए कचोरी, तो ए कचोरी के अनुसार क्या लगेगा, इज नोट लगाना है, तो नोट किसके बाद में लगता है, सब्जेक्ट के बाद में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बाय सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर, और एवरी डे। अब इस प्रकार हम किसी भी एक्टिव सेंटेंस को किसमें बदलेंगे, पैसिव में। तो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या हो गई कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब भी एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर रखा जाता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से, एच वी से स्टार्ट होने वाले। और इसके अलावा हम जितने भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे वो आपको पीडीएफ फाइल के रूप में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो ये आपको समझने का प्रयास करना है और इसी प्रकार आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना है। अब हम देखेंगे कि डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। नेक्स्ट जो है डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब। तो उनको जिसमें जो भी डब्ल्यूएच वर्ड हमारे को उदाहरण दिया गया होता है उसी को पैसिव में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं किसके अनुसार, जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे और फिर एडवर्ब बना देंगे। वैसे इस प्रकार का प्रश्न पेपर में बहुत कम पूछा जाता है जो हमारे डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव से संबंधित। फिर भी हम एक दो एग्जांपल देखने का प्रयास करते हैं, जैसे व्हाई आर यू ईटिंग दीज एप्पल्स। तो अब हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, दीज एप्पल्स, तो व्हाई तो हमने लिख दिया और वर्ब क्या है हमारा, इजेमार प्लस वर्ब में आई एन जी। अब हमारा नया सब्जेक्ट कौन बनेगा, डीज एप्पल्स, तो डीज एप्पल्स के अनुसार इजेम आर में से क्या लगेगा, आर वो भी बनानी है, वो भी बनानी है, वो बोल रहा था। तो आर व्हाई आर डीज एप्पल्स बीइंग ईटन बाय यू, इसका क्या बनेगा, वाई का, तो वाई नो, इसको नो की
हैड ही सोल्ड हिज कार, नया सब्जेक्ट क्या है हिज कार, तो हैड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, हैड हैव बीन लगा देते हैं, तो हिज कार के साथ क्या आएगा, हैड हिज कार बीन सोल्ड बाय हिम, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये थे हमारे डब्ल्यूएच वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना, परंतु अब जो इस डब्ल्यूएच वर्ड के अंतर्गत भी जो इंपॉर्टेंट आता है वह था हु से स्टार्ट होने वाला जो डब्ल्यूएच वर्ड है, किससे स्टार्ट होने वाला, हु से स्टार्ट होने वाले डब्ल्यूएच वर्ड के साथ एक्टिव जो सेंटेंस होते हैं उसका पैसिव जैसे बनाया जाता है। अब हम देखते हैं हु से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना कैसे। एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है हु, क्यों, क्योंकि हु एक ऐसा डब्ल्यूएच वर्ड है जो किसी सेंटेंसेज में सब्जेक्ट के रूप में स्वयं काम करता है। हु डब्ल्यूएच वर्ड कुछ सेंटेंस में स्वयं सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसलिए हम उसे स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को अलग से पढ़ते हैं। तो हु फिर वर्ब ऑब्जेक्ट फिर एडवर्ब, तो इसको चेंज करते हैं पैसिव में, तो क्या करते हैं सबसे पहले बाय हूं, फिर उसके बाद में क्या लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्यों, तो भी इस वर्ब को हमें चेंज करना है और इसके अनुसार ही हमें क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वो भी किसके अनुसार, जो हमारे इस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अनुसार क्या लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। इस थर्ड फॉर्म के बाद में जो बाय आता है वो हमारा यहाँ आ गया है, इसलिए हमें बाय लगाने की जरूरत नहीं है, और फिर बाद में एडवर्ब को अपने स्थान पर लिख दिया जाता है। जैसे फुटबॉल अंदाजा नहीं एवरी डे, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे बाय हूम, अब बाय हूम के बाद में लगाना है हमें हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे, प्लेज जो वर्ब है वर्ब में एस या एस को किसमें चेंज करते हैं हम, वर्ब में एस या एस को चेंज करेंगे इसे मार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, परंतु अब हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा फुटबॉल, तो इसके अनुसार क्या लगेगा इज, और फिर क्या होगा फुट बॉल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर क्या हो गया एवरी डे। नेक्स्ट है हु इज राइटिंग ए लेटर टुडे, अब इसको कैसे चेंज करेंगे हु को तो किसमें बाय हूम में, अब हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा ए लेटर, तो ए लेटर के अनुसार इजीएमआर प्लस वर्ब में आईएनजी को किसमें चेंज करेंगे इजीएमआर बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो अब ए लेटर के साथ क्या जाएगा इज ए लेटर being written by written today, और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन में मार्क,
तो इस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने एक्टिव से पैसिव में बदला है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करके या फिर सीधे फोन करके बता सकते हैं कि आपको कहीं पे समझ में आया और कहीं पे समझ में नहीं आया। परंतु इसे समझने के लिए आपको पीडीएफ फाइल्स उपलब्ध करा दी जाएगी। पहले आपको उन सबको नोट्स को समझना है, फिर उसके बाद में आपको वीडियो को देखना है। थैंक यू।